नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगातार जुटी हुई थी। अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए थे और उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिशें जारी थी। जिसके संदर्भ में अगर बात करें महागठबंधन की, तो लगातार पार्टी के दिग्गज नेता, बात करें अगर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की या बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो लगातार चुनाव प्रचार में पार्टी के नेता जो हैं वो लगे हुए थे। और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। आज के बाद से चुनाव का जो प्रचार है वो थम चुका है, प्रचारें नहीं होंगी, 21 अक्टूबर को मतदान होने हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि रांची में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और आरजेडी के नेता ने बताया कि किस तरीके से रांची में चुनाव प्रचार की तारीखें हैं जो वो आ गई हैं और प्रचार प्रसार कब तक शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 21 अक्टूबर को चुनाव होगा, 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे निकल कर सामने आ जाएंगे और बिहार में कौन सी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है ये भी देखने को मिल जाएगा। जनता ने किसको चाहा है, किसको पसंद किया है और जनता किसको चाहती है ये भी पता चल जाएगा। बहरहाल राजद के नेता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप कार्यकाल की जहां तक बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। किस योजना पे हम बात करिए बता दीजिए, मैं पूरी तरह से आपसे डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। कौन सा योजना भारत सरकार के द्वारा, चाहे बिजली के कारण, आप देखिए ना सर, झारखंड में हम लोग, झारखंड की बात कर लेते हैं, जमशेदपुर में 40-40 फैक्ट्रियां, 50-50 फैक्ट्रियां सारी बंद हो रही है। बिजली की महंगाई दर के कारण स्पॉन्ज फैक्ट्री वाले चाबी सौंपने आ जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास। इससे और क्या दुर्गति हो सकता है, ये सरकार बिल्कुल भी किसी लायक नहीं। सर एक सवाल और है, महागठबंधन की अगर बात करें तो जो रघुवर सरकार है हमेशा से जेएमएम को टारगेट करके आई और बड़ा पार्टी मानती है। आरजेडी का तो कुछ सीन ही नहीं है सर, आरजेडी का तो नाम तक भी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस और जेएमएम उनको दिखता है, आरजेडी का क्या है इसमें? देखिए, एक तो पहला ये हंसी की भी बात आपने बोल दिया कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं दिखता नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूत्र भी चाहे वो जो बोलते हो, मैं उनको बताना चाहता कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिससे ये प्रोडक्शन का फैक्ट्री है, समझिए, इससे कई नेता अपना चेहरा चमका रहे हैं दूसरे में जाकर। तो ये नहीं कह सकते राष्ट्रीय जनता दल ऐसा दल है जिससे आप, मतलब ये जो अच्छे चेहरे हैं जो हम लोग बना करके अब तैयार करते हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में जितना फिर डूबने का कोशिश करते हैं, हम लोग हटाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा स्थिति है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।